जय श्री कृष्णा। डीबी भारती समाचार चैनल पर आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं आचार्य राजेंद्र त्रिवेदी, शास्त्री, राजगढ़, झांसी। सबसे पहले राशि है मेष। मेष राशि वालों को आपको आज के दिन विद्या अध्ययन में सफलताएं प्राप्त होगी एवं कोई नया रोजगार आप आज के दिन से शुरू कर सकते हो। दूसरी राशि है वृक। वृक राशि वालों को स्वास्थ्य आपका उतार चढ़ाव भरामय रह सकता है। तीसरी राशि है मिथुन। मिथुन राशि वालों को आपको आज के दिन बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के कोई मानसिक तनाव, बेचैनी, परेशानी आ सकती है। चौथी राशि है कर्क। कर्क राशि वालों को आपको आज के दिन सचेत और सतर्क रहने की आवश्यकता है। आप वाहन, कुआं, तालाब इत्यादि से दूर रहें और अपने बचाव की ओर विशेष ध्यान दें। पांचवी राशि है सिंह। सिंह राशि वालों को भाग्य का उदय होगा, नए पद की प्राप्ति एवं स्थानांतरण जैसे योग भी आपको आज के दिन बन रहे हैं। छठवीं राशि है कन्या। कन्या राशि वालों को आपको आज के दिन किसी कार्य अथवा व्यापार के माध्यम से या उसके सिलसिले में आप अन्यत्र कहीं जा सकते हैं और कोई नया काम शुरू करने की चेष्टा आज के दिन आप शुरू कर सकते हो। सातवीं राशि है तुला। तुला राशि वालों को मानसिक तनाव, बेचैनी कम होगी, कोर्ट कचहरी जैसे मुकदमों में विजय प्राप्त होगी एवं स्वास्थ्य आपका बहुत बेहतर रहेगा। आठवीं राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों को आज भूमि भवन का निर्माण कार्य योजना कर सकते हैं अथवा कोई नया व्यापार भूमि से संबंधित शुरू कर सकते हो। नवम राशि है धनु। धनु राशि वालों को आप आज के दिन विद्याध्ययन में सरकारी नौकरी की ओर अग्रसर रहेंगे या कोई फॉर्म डालते हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। दशम राशि मकर। मकर राशि वालों को लोहे से संबंधित कोई व्यापार करते हैं तो आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम कारक रहेगा। ग्यारहवीं राशि कुंभ। कुंभ राशि वालों को यदि आप पशुपालन करते हैं तो आपके लिए दुग्ध का उत्पादन करते हैं उसके लिए श्रेष्ठ और उत्तम रहेगा, आज के दिन आप शुरू कर सकते हो। और अश्वत्थ पीपल वृक्ष के नीचे आप दीपक रखें। बारहवीं राशि है मीन। मीन राशि वालों को आपको आज के दिन घर परिवार वालों मित्रों से अच्छे संबंध होंगे, शत्रु परास्त होंगे एवं बच्चे आपकी तरक्की की ओर जा सकते हैं आज के दिन। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय माँ पीताम्बरा, जय माँ विंध्यवासिनी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।